Hello friends, now we will discuss kinematic indeterminacy. What is the meaning of kinematic indeterminacy? Kinematic indeterminacy is the degree of total possible displacement, rotation or translation in a structure. Ye uski simplest form mein definition hai. Means total possible degree of freedom at any joint. ठीक, ये टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट्स की मिला लीजिए माइनस नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, ये जो डिफरेंस है ये आपको काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी दे देगा। ठीक, अब मैंने इसको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया, देखिए कैसे। ये टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है, ये टू डी स्ट्रक्चर के लिए और ये थ्री डी स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक है, अगर पिन जॉइंटेड फ्रेम है, ट्रस, पिन जॉइंटेड फ्रेम मीन्स अगर ट्रस है तो 2D स्ट्रक्चर के लिए 2J माइनस R होगा फॉर्मूला, डी के मीन्स काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। 3D स्ट्रक्चर के लिए 3J माइनस R होगा, बहुत आसान से याद रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, 2J माइनस R, 3J माइनस R। J नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं और R रिएक्शन कंपोनेंट है, जो ऑलरेडी मैंने बोला सपोर्ट, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन कंपोनेंट है। ठीक, चलिए रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के लिए डी के इज इक्वल टू 3J माइनस आर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जो यहाँ रखा था वो यहाँ रख लीजिए, ये किसके लिए, रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के लिए। और 3D स्ट्रक्चर्स के लिए ये फॉर्मूला 6J माइनस आर हो जाता है। बेसिकली ये कहाँ से आए हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ पे 3 से क्यों किया, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक, कि जैसे पिन जॉइंटेड फ्रेम में डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी जॉइंट पे 2 होते हैं, इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई किया और ये जे नंबर ऑफ जॉइंट्स है। इसी तरह से यहाँ पे अगर रिजिड जॉइंटेड फ्रेम है तो वहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मतलब ट्रांसलेशन एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, रोटेशन, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल होते हैं। ठीक, 2D स्ट्रक्चर के अंदर तो फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर वो स्ट्रक्चर 3D होगा तो किसी भी जॉइंट पे 3 ट्रांसलेशन पॉसिबल होंगे और 3 रोटेशन पॉसिबल होंगे, इसलिए 3D स्ट्रक्चर्स में जे को एक जॉइंट पे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, इसलिए उसको 6 से मल्टीप्लाई किया। तो फॉर्मूले याद रहेंगे। ठीक है, ये बेसिकली मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है और ये रिएक्शन कंपोनेंट है। ये जो फॉर्मूला लिखा है वही फॉर्मूला है ये। ठीक है, मैंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए, पिन जॉइंटेड के लिए, 2D के लिए, 3D के लिए इनको अरेंज कर दिया है। ठीक, अब लेकिन हमेशा ये फॉर्मूले यूज़ हों ये ज़रूरी नहीं है। ठीक, फॉर्मूले तो यूज़ होंगे लेकिन ये इन फॉर्मूले में जो मेंबर हैं उनकी एक्सटेंशिबिलिटी को हमने कंसीडर नहीं किया। ठीक, मतलब क्या हुआ कि अगर इन एक्सटेंशिबल मेंबर हैं, समझना है कि मेंबर को इन एक्सटेंशिबल मतलब खींचेंगे नहीं, एक्सटेंशिबल नहीं है। ठीक, मतलब उनका एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में एक्सटेंशिबल नहीं है, तो फॉर्मूला हो जाएगा DJ माइनस R माइनस M। M क्या है, नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर है, कि जो मेंबर एक्सटेंड नहीं होंगे, एक्सटेंसिबल नहीं है, उनको माइनस कर लेना, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 3J माइनस R माइनस M। ये मैंने इसके लिए लिख दिया, रिजिड जॉइंटेड के लिए सब में वो माइनस होगा M। ठीक है, जो भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे होगे उसमें वो M माइनस हो जाएगा, समझ में आया, पहली चीज़। और अगर हिंज भी होंगी, इंटरनल हिंज लगी होंगी कहीं पे, ठीक है, तो फॉर्मूला भी वही जो इसमें यूज़ किया था वही फॉर्मूला यहाँ पे, बस उसमें एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड हो जाएंगे उस हिंज के कारण। ठीक है, तो ये आपके पास जनरल फॉर्मूले मैंने लिख दिए काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से रिलेटेड। ठीक, अब इस पे बेस्ड एक दो अपन न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि स्ट्रक्चर को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन पिन जॉइंटेड एक ट्रस लेते हैं, पिन जॉइंटेड ट्रस लेते हैं, उसको समझते हैं कि उसकी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रस, एक ट्रायंगुलर कंपोनेंट है ये और ये एक ट्रस है, मुझे इसकी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये एक हिंज सपोर्ट है और ये रोलर सपोर्ट है। ठीक, 2D स्ट्रक्चर है और पिन जॉइंटेड है, मतलब इसकी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी डी के जो कैलकुलेट होगी वो 2J माइनस आर से होगी।
ठीक, क्यों? क्योंकि पिन जॉइंटेड ट्रस में किसी भी जॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है, इसलिए 2 याद रखना। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये हिंज है तो एक रिएक्शन कंपोनेंट यहाँ होगा, एक रिएक्शन कंपोनेंट यहाँ होगा। ये रोलर है तो एक रिएक्शन कंपोनेंट यहाँ होगा, क्योंकि रिएक्शन हमेशा नॉर्मल, रोलर जो है वो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन देता है। ठीक, तो 2 यहाँ हो गई, 1 यहाँ हो गई। ठीक, मतलब R की वैल्यू हो गई 3। तो देखिए ये कैसे लिखा आपने, 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट 3 माइनस 3, सो 6 माइनस 3 मीन्स 3। तो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी इस स्ट्रक्चर की 3 हो गई। ठीक, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी अगर आप से कोई पूछे तो इस स्ट्रक्चर की काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी 3 है। अपन ने ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बता दिया, लेकिन मैं आपको कंसेप्चुअली बताता हूँ कि एक्चुअली होगा क्या। देखिए हर जॉइंट की अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे ये दोनों डायरेक्शन मूव नहीं कर पाएगा, पिन जॉइंटेड है तो ये दो डायरेक्शन मूव नहीं कर पा रहा, लेकिन यहाँ पे ये रोलर सपोर्ट है मीन्स ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है इसका। ठीक है, इस मूवमेंट को आप डेल्टा एक्स बोल दीजिए क्योंकि एक्स डायरेक्शन मूव हो रहा है। ये जॉइंट है, ये जॉइंट भी दो डायरेक्शन मूव कर सकता है, इस डेल्टा एक्स डायरेक्शन में और ये डेल्टा वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखिए अब इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ कि जैसे आपने डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी 3 कैलकुलेट की थी, मैं इसको इस तरह से ही बोल सकता हूँ कि इस जॉइंट पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ बचा है, मतलब ये स्ट्रक्चर 3rd डिग्री का काइनेमेटिकली इनडिटर्मिनेट है। ठीक, मैं और एग्जाम्पल बताता हूँ, उस एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, ठीक है, और एक रोलर सपोर्ट यहाँ, ठीक है, एंड नाउ वी वांट टू फाइंड आउट काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक, पिन जॉइंटेड ट्रस है, ठीक, पहली चीज, और दूसरा 2D स्ट्रक्चर है, तो फिर फॉर्मूला डी के इज इक्वल टू 2j-r। ठीक, चलिए इस फॉर्मूले को यूज़ कर लें अपन पहले, तो इस फॉर्मूले से पहले निकाल लेते हैं ये क्या आएगा। यहाँ पर एक रिएक्शन यहाँ, सिमिलरली एक रिएक्शन यहाँ, एक रिएक्शन यहाँ, ठीक है, और ये रोलर सपोर्ट, तो रोलर विल टेक ऑलवेज नॉर्मल रिएक्शन, मीन्स रिएक्शन कंपोनेंट 2, 2 और 1, मीन्स टोटल रिएक्शन कंपोनेंट हो गए 5, और नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, सो 2 × 5 − 5 = 5। तो ये स्ट्रक्चर काइनेमेटिकली इनडिटर्मिनेट है 5th डिग्री का। ठीक, बाय फॉर्मूला हमने देख लिया। अब अगर मैं इसको कंसेप्चुअली बताऊं तो देखिए इस जॉइंट पे ये किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन मूव कर सकता है और इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मींस ये y, डेल्टा y बोल दीजिए इसको, और ये डेल्टा x हो गया। सिमिलरली रोलर है, मींस इन दिस डायरेक्शन मूवमेंट इज पॉसिबल इन दिस डायरेक्शन। ये जॉइंट है, इस जॉइंट में भी ये मूव कर सकता है, डेल्टा y एंड डेल्टा x। ठीक है, देखिए बाकी सब जगह ये दोनों डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट है, ये दोनों डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्शन, सिर्फ ये जॉइंट मूव कर सकता है एक्स वाई डायरेक्शन में, ये जॉइंट एक्स वाई डायरेक्शन मूव कर सकता है, और ये रोलर सिर्फ एक्स डायरेक्शन मूव कर सकता है। मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज दिस फॉर दिस स्ट्रक्चर इज 5, सो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी भी 5 है। एक आध एग्जाम्पल और बताता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मुझे किसी स्ट्रक्चर की काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करना है, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी स्ट्रक्चर की तो कैसे कैलकुलेट होगी वो देखिए। अगर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, ये हिंज है और ये रोलर है, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर की मुझे काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करनी है, इस स्ट्रक्चर की काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करनी है तो देखिए फिर से वही, ये भी पिन जॉइंटेड है, पिन जॉइंटेड फ्रेम है ये, ठीक है, नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 4, नंबर ऑफ जॉइंट 2 × 4 और रिएक्शन 2 और ये 1, मतलब
एक रिएक्शन कंपोनेंट यहाँ आएगा, एक रिएक्शन ये, और रोलर विल टेक ऑलवेज नॉर्मल रिएक्शन मींस -3, 8 -3, 5. सो दिस स्ट्रक्चर इज काइनेमेटिकली इनडिटर्मिनेट टू फिफ्थ डिग्री. अब इसको अगर आप वैसे देखना चाहते हैं तो मैं आपको फ्री पर उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी बता देता हूँ कि ये जॉइंट इस डायरेक्शन मूव हो सकता है, इस डायरेक्शन मूव कर सकता है, डेल्टा एक्स और ये डेल्टा वाई. इधर भी अगर बोलें तो ये इस डायरेक्शन मूव कर सकता है एंड इस डायरेक्शन मूव कर सकता है, और एक रोलर है तो रोलर में इस केस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है. आयसन तो हम इस फिगर से भी बता सकते हैं कि ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, मतलब काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी 5 होगी. ठीक, चलिए एक आध क्वेश्चन मैं आपको रिजिड फ्रेम का भी बता देता हूँ कि रिजिड फ्रेम में अगर आपको काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी निकालना है तो कैसे. अभी आपने पिन जॉइंटेड फ्रेम की बात कर रहे थे, ये पिन जॉइंटेड फ्रेम की अपन इनडिटर्मिनेसी देख रहे थे, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी देख रहे थे. अब आपको एक रिजिड फ्रेम बताता हूँ और उस रिजिड फ्रेम की भी अपन काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी देखते हैं. ठीक है, एक ये फ्रेम, ये रिजिड फ्रेम. ठीक है, दिस इज फिक्स्ड एंड, ये रोलर एंड है और ये हिंज. ठीक है, ये एक आपके पास में फ्रेम. और अब ये टू डायमेंशनल बॉडी है, ये टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और रिजिड फ्रेम है, मतलब डी के अगर कैलकुलेट होगा तो डी के का फॉर्मूला है डी के इज इक्वल टू 3J - R. 3J - R क्यों? क्योंकि रिजिड जॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 होते हैं. ठीक, वो रोटेट हो सकता है और एक्स डायरेक्शन मूव कर सकता है और वाई डायरेक्शन मूव कर सकता है. ठीक है, चलिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होने के कारण 3J - R. वैसे तो अपने को टेबल याद है, उससे निकाल देख लेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला याद इस तरह से रखिएगा. अब इसमें नंबर ऑफ जॉइंट लीजिए, 1, 2, 3, 3 और ये 3 मींस 9. सो 3 × 9 माइनस रिएक्शन कंपोनेंट 3, 1 and 2. ये रोलर 1, हिंज पे 2, मींस ये टोटल हो गया 6. सो कितना हुआ? 21. सो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज 21. ठीक है, ये 21 डिग्री का काइनेमेटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है. समझ में? ठीक, तो स्ट्रक्चर की इनडिटर्मिनेसी कैसे निकाली जाती है वो मैंने आपको बताया. ठीक, अगर आप चलिए वैसे देखना चाहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी बता दूं तो देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ये 3 मींस टोटल 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया उधर, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हो गया, 18 हो गया. ठीक, 18 उसके बाद ये यहाँ पे एक रोटेशन पॉसिबल है, मतलब 19 और यहाँ पे 2. ठीक, यहाँ पे 2 रोटेशन, एक रोटेशन पॉसिबल है और एक मूवमेंट पॉसिबल है, मतलब 19 + 2 = 21. तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 21 है. सर मैम, मैं क्या बोला कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, 3, 3, 3, 9 और 9 और 9, 18 और 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 18 और 3, 21. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 21 आया. तो आप जैसे चाहें वैसे कैलकुलेट कर लीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे फॉर्मूले से कर लीजिए, चाहे कंसेप्चुअली निकाल लीजिए. ठीक, बाय विजुअल इंस्पेक्शन निकाल लीजिए, आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम आएगी, मतलब काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी आप कैलकुलेट कर लोगे. अब इसी स्ट्रक्चर को मैं अगर मैं बोल दूं कि ये इनएक्सटेंसिबल है, ठीक, तो अगर इनएक्सटेंसिबिलिटी भी आप कंसीडर कर रहे हो, ठीक, मेंबर की इनएक्सटेंसिबिलिटी को कंसीडर करते हो, तो फिर इसकी काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होगी सेम स्ट्रक्चर की, मैं उसकी ओर बात करता हूँ. तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला डी के इज इक्वल टू 3J - R - M. M यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर. ठीक है, तो अब देखिए नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर है, कितने मेंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर ऑफ मेंबर 10. तो अगर देखिए मैं इसकी काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी निकालना चाहूँ फॉर इनएक्सटेंसिबल मेंबर,
ठीक, क्वेश्चन वही है, लेकिन मैंने बोला कि मेंबर इनएक्सटेंसिबल हैं, तब इसकी काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी क्या होगी। तो देखिए फॉर्मूला ये हो गया, 3 इंटू अगेन वही नंबर ऑफ जॉइंट 9 ही है, आर ये 6 ही है, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर 10, और माइनस कर लीजिए तो ये क्या है, 27 माइनस 6 माइनस 10, तो ये हो गया 11। आयसन में मतलब अगर इस स्ट्रक्चर में मेंबर की इनएक्सटेंसिबिलिटी भी आप कंसीडर करते हैं तो फिर ये काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी की कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। क्लियर? तो काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया, कुछ और एग्जांपल बताता हूँ, उन एग्जांपल से देखते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं, उन एग्जांपल में अपन काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी देखते हैं क्या होगा। काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी ऑफ दिस बीम, ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट 2, 1 इधर, 1 रिएक्शन कंपोनेंट, 1 नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट एंड ये 1 नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट, ठीक है। सो 3 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट 3 माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट 4, और इनएक्सटेंसिबिलिटी भी कंसीडर करना है, मींस माइनस करना, ठीक। इनएक्सटेंसिबिलिटी ऑफ मेंबर मींस ये कितने मेंबर है, 2, तो चलिए कितना आया, 9 माइनस 4 माइनस 2 मींस 6, 3। सो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी ऑफ दिस कंटीन्यूअस बीम इज कितनी होगी, 3। अब देखिए अगर मैं बाय इंस्पेक्शन बोल दूं तो क्या होगा कि यहाँ पे रोटेट हो सकता है ये, इसको ए बी सी पे बोल दूं तो थीटा ए, यहाँ पे थीटा बी और ये थीटा सी, ठीक है, मतलब इसमें 3 रोटेशन पॉसिबल है, ए पे भी रोटेट हो सकता है, बी पे भी रोटेट हो सकता है, सी पे रोटेट हो सकता है, मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसका 3 है। आप डायरेक्टली चाहें डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे ये एक और फ्रेम, एक और स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के लिए अगर मुझे चाहिए तो फिर से वही फॉर्मूला, डी के इज इक्वल टू 3j माइनस आर माइनस एम। इनएक्सटेंसिबिलिटी हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, कि एक्स मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, ठीक, तो इसलिए माइनस एम किया, ठीक। अगर एक्सटेंसिबल होगा तो फिर इस एम को हटा देना। चलिए इस केस की बात करूँ तो 3, 3, 3, तो 3 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ जॉइंट 5 और रिएक्शन कंपोनेंट 3, 3, 3 मींस 9 माइनस मेंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो 15 माइनस 9 माइनस 4, ठीक है, तो ये कितना हुआ, 2। तो डी के इज इक्वल टू 2, डी के इज इक्वल टू 2 मींस ये स्ट्रक्चर 2 डिग्री का काइनेमेटिकली इनडिटर्मिनेट है, ठीक। अभी कहाँ कहाँ रोटेट हो सकता है, एक रोटेशन यहाँ पॉसिबल है इसका और एक रोटेशन यहाँ पॉसिबल है, ठीक, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इस स्ट्रक्चर के लिए 2 है, ये 2 डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है।